हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द होम एकेडमी। इस वीडियो में आज हम एनवायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन कवर किए थे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर किए थे, तो ये पार्ट थर्ड होगा वीडियो का। ये क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे फेसबुक पेज से, हम पहले अपलोड किया करते हैं, बाद में उनके आंसर देखिए। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है कि कौन सी गैस है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस गैस का। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आर्गन एंड ऑप्शन डी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। फेमाइन मे स्ट्राइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हाउएवर टुडे फेमाइन इज मोस्टली फाउंड इन। तो फेमाइन किसी भी जगह दुनिया के कहीं भी हो सकता है, मगर आजकल जो फेमाइन पाया जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है आपका सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में आज भी फेमाइन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच आर द फॉलोइंग रीजन्स रिलाइज मेनली मोस्टली ऑन द इम्पोर्टेड फूड। तो कुछ कंटिनेंट दिए गए हैं और रीजन पूछा गया है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो सिर्फ इम्पोर्टेड फूड पे ही डिपेंड करता है। तो उस कंटिनेंट का नाम है एशिया। एशिया जो है वो इम्पोर्टेड फूड्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसिस, कंसेप्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो वो किस पे जोर देता है? पहला ऑप्शन है द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ट्रेड बिटवीन ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग द आर्ट, द फास्टेस्ट वे ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो अभी प्रेजेंट टाइम होता है उसकी नीड पूरी की जाती है, फ्यूचर जनरेशन का नहीं देखा जाता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो द फास्टेस्ट वे टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, द फास्टेस्ट वे टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द बेस्ट वे टू सस्टेनेबली मैनेज द नेचुरल एनवायरनमेंट इज टू। तो वो क्या बेस्ट मेथड होता है, कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे हम सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, टू मेंटेन द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द फर्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज टेकन ड्यूरिंग। तो पहला इनिशिएटिव लिया गया है इंटरनेशनल लेवल पे टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज टेकन ड्यूरिंग, तो वो किस कब लिया गया है, किस प्रोटोकॉल में, किस समिट में लिया गया है? पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा अर्थ समिट, और तीसरा ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, अर्थ समिट जो है उस टाइम द फर्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज टेकन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल। तो कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, पूछा गया है विच वन इज नॉट द पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल। पहला जो है पैरामीटर कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा है इंटर जेनरेशनल इक्वलिटी, तीसरा जेंडर प्रायोरिटी, तीसरा पॉलिटिकल फ्रीडम। तो पहले जो तीन हैं, कैरिंग कैपेसिटी, इंटर जेनरेशनल इक्वलिटी, जेंडर प्रायोरिटी आर द पैरामीटर ऑफ द सस्टेनेबल। तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट द पैरामीटर ऑफ द सस्टेनेबल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम। अर्थ समिट यानी कि सेव अर्थ वाज स्पॉन्सर्ड बाई, तो उसे कौन स्पॉन्सर्ड करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यूनेस्को, दूसरा है यूएनसीईडी, तीसरा डब्ल्यूएचओ और ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो अर्थ समिट वाज स्पॉन्सर्ड बाई यूएनसीईडी। तो क्या फुल फॉर्म होती है यूएनसीईडी की? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यूएनसीईडी क्या हो गया, अर्थ समिट क्या हो गया। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो व्हेनेवर वी अपलोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।